ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के सभी पांचों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा के चार प्रत्याशी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन, उमेश नाथ महाराज, किसान नेता बंसीलाल गुज्जर और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस में के एक प्रत्याशी अशोक सिंह भी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार तक नाम वापसी का समय तय था। राज्यसभा किसी प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर लोगननाथन मुरगन सूचना प्रसारण व डेयरी राज्य मंत्री है, जिन्हें मध्य प्रदेश से दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुना गया है। मंदसौर लाल घाटी निवासी बंसीलाल गुज्जर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हुडको डायरेक्टर है। माया नरोलिया भाजपा संगठन में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष है। उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। वहीं ग्वालियर चंबल के रहने वाले राज्यसभा सांसद चयनित अशोक सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।